ओके तो सबको मेरा वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है? हाँ वॉइस सबको आ रहा है, प्लीज चैट पे लिख दो यस नो। ओके तो चलिए हम लोग चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, ठीक है? इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है। सो अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज मॉडल्ड यूजिंग अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स अल्फा इज 50। सो हम लोग को अल्फा 50 दे दिया है और लैम्डा हम लोग को दे दिया है 0.25। कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 270 यूजिंग द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा को काई स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम लोग को पता है, राइट? गामा को काई स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है? सो क्या था फॉर्मूला? 2 लैम्डा एक्स विल फॉलो काई स्क्वायर 2 अल्फा। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 270, सो 2 लैम्डा एक्स विल बी ग्रेटर देन 2 लैम्डा इंटू 270, ठीक है? ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.25 विच इज 0.5x इज ग्रेटर देन 135। So, क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 2 इंटू अल्फा विच इज काई स्क्वायर 100 इज ग्रेटर देन 135। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? टेबल बुक यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर इतना यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोग कितना आ जाएगा, एल्फा बाय लैमडा। सो अल्फा बाय लैम्डा कितना आ रहा है, 50 बाय 0.25, ठीक है? वेरियंस ऑफ एक्स हम लोग का कितना आ रहा है, अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर। तो दिस इज 50 बाय 0.25 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट करेंगे म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो मेरा म्यू कितना आ जाएगा 200 और मेरा वेरियंस कितना आ जाएगा 800, ठीक है? फिर इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 270, सो दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 270 माइनस 200 बाय रूट अंडर 800, ठीक है? फिर हम लोग को बोलता है कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन योर आंसर्स। गामा डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेस टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलता है गामा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा गामा नॉर्मल में, एज अल्फा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बोलता है जैसे जैसे अल्फा इन्फिनिटी को टेंड करेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, गामा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट फॉर अल्फा 50 द गामा डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव स्क्यू एंड गिव्स अ हायर टेल प्रोबेबिलिटी देन द सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो आंसर आ रहा है विच इज 0.00667 और हम लोग का वैसे जो आया था 0.01। तो वही बोल रहा है व्हेन अल्फा इज 50 तो पॉजिटिव स्क्यू दिखा रहा है, इसीलिए हायर टेल प्रोबेबिलिटी देन द सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इजी था क्वेश्चन, सब लोग आगे बढ़े, यस नो? आगे बढ़ सकते हैं, यस नो? सर कमेंट एक बार बता दो दोबारा। हाँ बेसिकली ये लोग क्या बोलता है, बोलता है देखो अपना जो ये वाला ग्राफ है ये ऐसा होता है और नॉर्मल का अपना ऐसा होता है, राइट? सो बोलता है कि यहां पर द पॉजिटिव स्क्यू होने से हायर टेल प्रोबेबिलिटी देन द सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कंसिडर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स आर डिनोटेड बाय द टू रैंडम वेरिएबल्स यू एंड वी रेस्पेक्टिवली। सो यू कितना दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ
वाई गिवेन एक्स एंड वी कितना दिया हुआ है, वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स. अज्यूम दैट वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्सपेक्टेशन 5 एंड वेरियंस 4. ऑल्सो अज्यूम दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वी इज 2. अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ यू निकालना है एंड वेरियंस ऑफ यू निकालना है. ठीक है, बहुत सिंपल है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, तो दिस इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स विच इज वॉट, दिस इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5. फिर वेरियंस ऑफ यू इज वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स, सो दिस इज वॉट वेरियंस ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स. ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है. सो वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स इज वी, एंड वी का मेरे को एक्सपेक्टेशन दे दिया है 2, तो दिस इज वॉट 4 माइनस 2 विच इज 2. ठीक है, बहुत सिंपल था ये वाला. क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. बिकॉज वेरियंस ऑफ वाई इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स. कंसिडर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल 0,1. एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1, वाई फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1. आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, सो एक्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेरे को निकालना है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इंटू डी एक्स. फिर हम लोग को बोल रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स एट टी इज 0, तो हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे एम एक्स 0. ये सब नहीं कर रहा मैं, बहुत सिंपल है. क्योंकि फिर हम लोग को बोलता है डेराइव द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल जेड, जेड के लिए करने बोल रहे हैं, विच इज यूनिफॉर्म 0,2 डिस्ट्रीब्यूशन. सो एम जेड टी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी जेड, तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी जेड. सो दिस इज वॉट इंटीग्रेशन 0 से 2 ई टू द पावर टी जेड इंटू हाफ डी जेड. ठीक है, फिर हम लोग को बोलता है कमेंट ऑन द एनालिस्ट आर्ग्यूमेंट बाय डिटरमाइनिंग इफ द रैंडम वेरिएबल जेड हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0,2 यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमको ऐसे निकालना होगा एम एक्स प्लस वाई टी, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स प्लस वाई, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी वाई. सो क्या हो जाएगा, सेम होगा दोनों का. सो 1/t² ई टू द पावर टी माइनस 1, बट उसका तो कुछ और ही आया है. इसका तुम्हारा आएगा, इसका तुम्हारा आएगा 1/2t ई टू द पावर 2t-1, इसका वाला का आएगा. ठीक है ना, तो दोनों का गल अलग अलग है. ठीक है, तो एक्स प्लस वाई डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म 0,2 डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था येट अंडरस्टैंडेबल एंड वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में आइए. कंसिडर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन इज इक्वल टू 25 फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10, वेरियंस 4 एंड सैंपल वेरियंस इतना. सो मेरे को मीन कितना दे दिया है, मीन मेरे को दे दिया है 10, वेरियंस मेरे को दे दिया है 4 और सैंपल वेरियंस दे दिया है s². राइट डाउन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो n-1
एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर एन माइनस वन. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो यहां पर बेसिकली क्या आ जाएगा, 24 बाय सिग्मा स्क्वायर मेरे को दे दिया है 4. एस स्क्वायर फॉलो सिग्मा स्क्वायर 24, सो बेसिकली 6 एस स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर 24. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 एस स्क्वायर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर 24 विच इज 24. ठीक है, सो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर विल बी व्हाट, 24 बाय 6 विच इज 4. ठीक है, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर निकालने बोल रहा है. सो वेरिएंस ऑफ 6 एस स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर 24 विच इज 48. सो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज 48 बाय 36. ठीक है, विच इज 4 बाय 3. हाँ दीपाली, वर्किंग दिखाना पड़ेगा एमसीक्यू में, नहीं तो ऐसे लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो वर्किंग प्लीज दिखा दीजिएगा. हाँ यतीश बोलो. सर लेकिन उसमें लिखा हुआ है सिर्फ ऑप्शन लिखना है कि कौन सा करेक्ट है. किसमें लिखा हुआ है सर? वो स्टार्टिंग में होती है ना गाइडलाइंस, लिखा हुआ है उसमें कि एमसीक्यू में आंसर नहीं, वर्किंग नहीं दिखाना है. हाँ सर. हाँ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें लिखा हुआ है, तब फिर उसमें लिखा हुआ है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं. आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. सो मेरे को एफ एक्स कॉमा वाई का दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन विच इज के ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2y. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. सो अब जैसे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर 2y. सो जॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स. तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होगा. तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फॉर ऑल एक्स वाई इन द रेंज ऑफ द वेरिएबल्स, हेंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. फिर हम लोग को बोलता है के का वैल्यू निकालने बोलता है, तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to infinity, 0 to infinity के ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर 2y dy dx शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे. सो इंटीग्रेशन 0 to infinity के ई टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर 2y बाय 2 0 to infinity dx शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, फिर डबल बार करेंगे, दोबारा जब करेंगे तो बेसिकली यहां से हम लोग का जो k का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 2. अभी यहां पर वैल्यू डालेंगे, बेसिकली वैल्यू डालेगा, दोबारा जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा k का 2 का. फिर हम लोग को बोलता है डेमोन्स्ट्रेट दैट f by the marginal density of y. ये भी बहुत सिंपल है. तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट को x के रेस्पेक्ट में करेंगे. सो fy इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 to infinity 2e to the power minus x e to the power 2y dx. Now this is equal to 2e to the power. एक मिनट, सॉरी. यहां पर माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा. ये ऐसा है, ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस 2y है एक्चुअली. ठीक है, और यहां पर भी माइनस आएगा. सो 2e to the power minus x बाहर ना, 2e to the power minus 2y बाहर,
तो अंदर में क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स, सो दिस इज व्हाट, इसको इंटीग्रेट करने से 1 ही आ जाएगा, सो 2 ई टू द पावर माइनस 2 y, ठीक है। फिर अपने को बोलता है डेमोन्स्ट्रेट दैट द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन y का मतलब क्या होता है, हम लोग x में इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग x में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस 2 y dx, सो 2 ई टू द पावर माइनस 2 y बाहर, ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद में हम लोग को बोल रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, डिमॉन्स्ट्रेट दैट द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन एफ वाई गिवेन y ग्रेटर देन 3, तो ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। इसको करने का यूनिक तरीका देखो, प्रोबेबिलिटी कैपिटल y लेस देन इक्वल टू y गिवेन y इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y कॉमा y इज ग्रेटर देन 3 होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 3। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 3 y लेस देन इक्वल टू y होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 3, सो दिस इज एफ वाई 3, सॉरी, सो दिस इज बेसिकली एफ वाई वाई माइनस एफ वाई 3 होल डिवाइडेड बाय दिस इज एफ वाई वाई माइनस एफ वाई 3, क्यों, y के पहले का सारा माइनस 3 के पहले का नहीं चाहिए, तो एफ वाई वाई माइनस एफ वाई 3 प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 3, और यहां पर y इज ग्रेटर देन 3 ये हम लोग को बोल दिया है कि गिवेन y इज ग्रेटर देन 3, फॉर y इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a गिवेन b का a इंटरसेक्शन b बाय b, ठीक है। सो ये आ गया, अब निकालो एफ वाई गिवेन वाई ग्रेटर देन 3, सो दिस इज स्मॉल एफ वाई, अब डिफरेंशिएट करना है तो CDF का PDF आ जाएगा होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी वाई इज ग्रेटर देन 3, ये कांस्टेंट हो गया, तो दिस इज 2 ई टू द पावर माइनस 2 y बाय ई टू द पावर माइनस 6, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 2 ई टू द पावर 6 माइनस 2 y। मैंने बोलने का मतलब ये है कि पहले मैंने CDF के फॉर्म में लिखा और फिर अब इसको डिफरेंशिएट करने से PDF मिल रहा है मेरे को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 3 कैसे निकालेंगे यहां पर, सो इंटीग्रेशन 3 से इन्फिनिटी 2 ई टू द पावर माइनस 2 था ना, एफ वाई वॉज 2 ई टू द पावर माइनस 2 y डी वाई, ठीक है। फिर हम लोग को निकालने बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, सो इंटीग्रेशन 3 टू इन्फिनिटी y इंटू एफ y गिवेन कैपिटल y इज ग्रेटर देन 3 डी वाई, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 3 टू इन्फिनिटी
टू वाई ई टू द पावर सिक्स माइनस टू वाई डी वाई। ठीक है, अब टी ले लो, अब टी ले लो वाई माइनस थ्री, तो वाई जब थ्री है तो टी जीरो है, वाई जब इंफिनिटी है तो टी इंफिनिटी है। तो अब इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी टू इंटू टी प्लस थ्री ई टू द पावर माइनस टू टी डी टी। सो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी टू टी ई टू द पावर माइनस टू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी सिक्स ई टू द पावर माइनस टू टी डी टी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व मैं नहीं कर रहा। सिमिलर तरीके से ये लोग हम लोग को निकालने बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर वाला, एकदम सेम तरीके से होगा। गिवन वाई इज ग्रेटर देन थ्री, सो दिस इज वॉट इंटीग्रेशन थ्री से इंफिनिटी वाई स्क्वायर टू ई टू द पावर सिक्स माइनस टू वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पेपर एकदम इजी चल रहे हैं यहां तक, कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी सर प्रॉब्लम है तो प्लीज। ऊपर हाँ हाँ बोलिए। हाँ स्क्रॉल करना सर और ऊपर हाँ बस। सर हम न्यूमरेटर में टू ई की पावर माइनस टू वाई लिखे हैं, तो सर ये हमने मार्जिनल को थ्री से वाई में इंटीग्रेट करेगा तब लिखा है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सर हमने न्यूमरेटर में टू ई की पावर माइनस टू वाई लिखा है, तो हमने मार्जिनल को थ्री से वाई की रेंज में इंटीग्रेट करके लिखा है क्या? नहीं, ये जो ऊपर में जो आया था इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएट करने से क्या मिल रहा है, आप देखो लेफ्ट में देखो सीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू वाई। तो सीडीएफ को डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ मिलेगा ना। जैसे हम लोग ने यहां पर क्या निकाला, हम लोग ने यहां पर निकाला है ये वाला, तो इससे क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने से, एफ वाई गिवन वाई इज ग्रेटर देन थ्री ये मिलेगा। और इस पूरा को मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस पूरा को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा मेरे को, स्मॉल वाई स्मॉल एफ वाई मिलेगा ना। सीडीएफ को डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ मिलता है, और ये वाला जो है ये जीरो हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, सर समझ में नहीं आया ये वाला। देखिए एकदम बेसिक चीज क्या है कि आप जब सीडीएफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट तो सीडीएफ है ना। आप सीडीएफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सर पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा। तो ये सीडीएफ है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, स्मॉल एफ वाई गिवन वाई इज ग्रेटर देन थ्री। मैंने यहां पर मैंने क्या किया है, डी डी वाई किया है, यहां पर मैंने क्या किया है, डी डी वाई किया है, राइट। तो यही सेम चीज तो मैं यहां पर भी करूंगा ना। ये पूरा एक्सप्रेशन को आप डी डी वाई करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। यहां पर आपका सी डी एफ है, ये वाला आपका सी डी एफ हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ इज स्मॉल एफ वाई, और फिर नीचे वाला पार्ट कॉन्स्टेंट है और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सी डी एफ वाला ठीक है एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने से पीडीएफ मिलता है, उसी का यूज किया यहां पर। ठीक है बोलिए।
तो ये हुआ। अब इसको दोबारा से सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी आएगा, तो 2 रहेगा t+3 का स्क्वायर e^-2t dt। बस अब इसको अलग अलग कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 2t² e^-2t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 12t e^-2t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 18e^-2t dt। फिर वेरिएंस ऑफ वाई निकालने बोल रहा है। सो वेरिएंस ऑफ वाई गिवन वाई इज ग्रेटर देन 3, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन वाई इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन वाई इज ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ला। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का दिमाग खुलेगा। अ ट्यूटर बिलीव्स दैट द नंबर ऑफ एग्जाम्स पास्ड बाय स्टूडेंट्स सिटिंग 3 डिफरेंट एग्जाम्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n=3 and p। अ रैंडम सैंपल ऑफ 120 स्टूडेंट शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्स पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग करिस्पॉन्ड्स टू द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ पी गिवेन द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, तो लाइक्लीहुड कैसे बनाएंगे इसका, 1 - p, क्योंकि बेसिकली आपने 3 बार ट्रायल्स किया, आपका 0 सक्सेस मिला। सो 1 - p का क्यूब ऐसा 40 बार होगा। ठीक है, इंटू 1 सक्सेस मतलब 3p 1 - p का स्क्वायर ऐसा 60 टाइम्स होगा। फिर आएगा 3p² 1 - p ऐसा 15 टाइम्स होगा, और फिर सब में सक्सेस p³ ऐसा 5 टाइम्स होगा। ठीक है, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 - p^120, p^60, 1 - p^120, p^30, 1 - p^15, p^15। ठीक है, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 - p^255, p^105। अब लॉग लाइक्लीहुड ले लो। सो लॉग एल इज व्हाट, 255 ln 1 - p प्लस 105 ln p। फिर हम लोग को बोलता है शो यूजिंग एन आंसर द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अब फिर बहुत सिंपल है, डी एल एन एल बाय डी पी, सो दिस इज व्हाट, -255/1 - p प्लस 105/p, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से तुम लोग निकाल लो पी हैट का वैल्यू, यहां से तुम लोग निकाल लो पी हैट का वैल्यू, विच इज 105/360, विच इज 0.2917। ठीक है, परफॉर्म अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर द बाइनोमियल मॉडल 3, p एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%। गुडनेस ऑफ फिट क्या बोलता है, मेरा जो एच नॉट बनेगा क्या, मतलब गुड फिट है, फॉलो अ बाइनोमियल 3, p
डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर मेरा अल्टरनेट क्या बनेगा, डू नॉट फॉलो अ 3, p डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब अपने को p हैट का मतलब पता है 0.2917, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1 माइनस p का क्यूब, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 3p 1 माइनस p का स्क्वायर, तो ऐसे करके सारा सारा हम लोग निकाल लेंगे, तो एक आ जाएगा 0.35540, 0.43902, फिर आ जाएगा 0.18077, और फिर आ जाएगा 0.024812, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पर टेबल बन जाएगा, नंबर ऑफ एग्जाम पासेस, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम पासेस, फिर आ जाएगा ऑब्जर्व, फिर आ जाएगा ई आई। तो ई आई कैसे आएगा, टोटल कितना है, 120 है क्या टोटल, टोटल कैसे है टोटल, हाँ टोटल 40 60 15 5, 120 स्टूडेंट्स है, तो 120 इंटू प्रोबेबिलिटीज जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एग्जाम पासेस 0 1 2 3, 40 60 15 5, फिर ये सब भी निकालेंगे, अब ये सब में ये वाला आएगा 2.9774, तो ई आई जब तक 5 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्लब करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, अप्रैल 21 का पेपर निकालो, इसको सॉल्व करिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम।
ओके हाँ आशु बोलो, क्या बोल रहे हो आशु, बोलो क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड का हम लोग निकालेंगे और एक जो हम लोग पैरामीटर जो एस्टिमेट किया उसका भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज करेंगे। ठीक है, जो पैरामीटर जो है उसका भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज करेंगे। सो अब हम लोग का जो कॉलम्स बन जाएगा, कॉलम्स हम लोग का बनेगा 0, 1, 2 एंड 3। तो यहां पर आ जाएगा 40, 60, 20, यहां पर आ जाएगा 42.648, 52.682 और यहां पर आ जाएगा 24.670। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा जो आएगा 3 -1 -1 फॉर 1 पैरामीटर एस्टिमेटेड। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू निकालेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू क्या बोलता है, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर बाय ई। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकाल लो। जैसे एक तो देख लो, 40 -42.648 का स्क्वायर बाय 42.648 प्लस डॉट 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 प्लस 20 -24.670 का स्क्वायर बाय 24.670। तो दिस इज 2.0649। अब काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ टेबल बुक निकालो। तो काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट द रेट 5%, तो मेरा जो वैल्यू आएगा 3.841। माने वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। तो अगर इनसफिशियंट एविडेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, देर इज नो एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मॉडल इज नॉट अ गुड फिट। ठीक है, मतलब मॉडल गुड फिट है। देर इज नॉट सफिशियंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मॉडल इज नॉट अ गुड फिट, इसका मतलब क्या है, मॉडल इज अ गुड फिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप ध्यान दो। अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी हैज परफॉर्म्ड अ स्मॉल एम्पेरिकल स्टडी कंपेयरिंग फोन यूजेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ टोटल ऑफ 35 पीपल हु यूज देयर फोन इंडिपेंडेंटली। सो मेरा एन मेरे को कितना दे दिया है, 35। द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दैट ईच पर्सन स्पेंड यूजिंग देयर फोन ड्यूरिंग अ वीक इज डिनोटेड बाय वाई। वाई बार डिनोट सैंपल मीन एंड एस वाई द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। एस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला दे दिया है। सैंपल साइज अपने को दे दिया है रूरल एरिया अर्बन एरिया। ठीक है, वाइबर और एस वाई दे दिया। स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड एट दी 5% सिग्निफिकेंस लेवल टू डिटरमाइन वेदर द नल हाइपोथेसिस दैट मीन फोन यूजेज इन रूरल एरियाज इज द सेम एज मीन फोन यूजेज इन अर्बन एरियाज। फोन यूजेज इज इक्वल वर्सेस फोन यूजेज नॉट इक्वल। स्टेट अ सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिफाई एनी अजम्पशंस, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। कंक्लूजन, मैंने उसी में पूरा वो कर दिया मतलब। ठीक है, ये तुम लोग को पता ही है क्या फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टी 33 फॉलो करेगा। टी 33 एन माइनस टू हो जाएगा ना, डिफरेंस में एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, वेरियंसेज आर इक्वल, हम लोग क्या क्या एजम्पशन लगाएंगे, वेरियंसेज आर इक्वल जो हम लोग पुल्ड वेरियंस निकालते हैं। ठीक है, इक्वल वेरियंसेज सीम टू बी जस्टिफाइड गिवेन द एस वाई वैल्यूज फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज आर सिमिलर गिवेन द स्मॉल सैंपल साइजेस एजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक मेरा क्या बनेगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक मेरा क्या बनता है, यहां पर देखो एन माइनस टू है ना, तो इसीलिए हम लोग बनाएंगे 35 -2। ठीक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या बनेगा, वाई बार रूरल माइनस वाई बार अर्बन। ठीक है, माइनस जीरो होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बताओ, रूट अंडर बाहर में आ जाएगा एसपी और यहां पर आएगा 1/n रूरल प्लस 1/n अर्बन एंड दिस विल फॉलो टी रूरल प्लस अर्बन -2।
ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे यहां पर एसपी स्क्वायर, सो एसपी स्क्वायर इज 14 इंटू एस स्क्वायर रूरल प्लस 19 इंटू एस स्क्वायर अर्बन बाय 33। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/33, 14 इंटू 14 इंटू 2.1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1.9 का स्क्वायर, ठीक है। सो मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.7 माइनस 4.4 होल डिवाइड बाय रूट अंडर एस पी स्क्वायर विच इज 3.95 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20, तो दिस इज व्हाट, -1.031। ठीक है, फिर हम लोग बोलते राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट। तो ये क्या है, इक्वल और नॉट इक्वल है ना, इक्वल और नॉट इक्वल है तो टू साइडेड होगा, तो T33 0.025 का वैल्यू देख। तो 0.025 का T34 पे है कॉमा 32 पे है, तो इन दोनों का एवरेज ले लो। सो T34 और T32 तो 2.032 एंड 2.037, मतलब तुम इसमें से कुछ भी लेगा ना, तुम इसमें से कुछ भी लेगा तो भी ये वाला वैल्यू बीच में ही आएगा। जैसे अगर मान ले तुम ये लेता है, ये जैसे अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तुम ये लेता है -2.032, 2.032, तो भी तो तेरा माइनस यहां पर आ रहा है ना। और तुम अगर 7 लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, माने -2.032 ले या फिर -2.037 ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, -1.031, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों से फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल फोन यूजेज बीइंग इक्वल कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वी हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट, वी हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। हाँ बोलो दीपाली। सर, इसमें तो फिर हम लोग T32 या 34 की वैल्यूज लेके टेस्ट कर सकते हैं सर। हाँ हाँ तुम कुछ फिर भी ले लो इसमें ना, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो से फर्क नहीं पड़ता है। तुम ये चीज बता देना कि हम लोग यार 2.032 ले या 2.037 ले, दोनों से फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग को बोलते हैं डिटरमाइन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन फोन यूजेज। मीन फोन यूजेज का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल रहा है, सो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस, यही तो करते हैं ना, क्या है फॉर्मूला बता, एक्स बार प्लस माइनस टी रूरल का बोला है, तो रूरल में कितना है, रूरल में है तेरा 15, सो T14.025 इंटू एस बाय रूट एन, यही अपना आंसर राइट, यही तो होगा ना। तो क्या आएगा, 3.7 प्लस माइनस टी का वैल्यू क्या है, 2.145 इंटू एस बाय रूट एन, सो एस मेरा कितना है, रूरल है ना, सो 2.1/√15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यही अपने को बोला है ना। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू एस बाय रूट एन फॉलोज टी एन माइनस वन, यही फॉर्मूला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो।
चलो आओ, नेक्स्ट में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू क्लाइमेट चेंज हैज बीन कंडक्टेड यूजिंग क्लाइमेट चेंज डेटा फ्रॉम द पास्ट 50 इयर्स कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल। ये सब सब ठीक है, दे दिया है। एंड एक्चुअली ऑल्सो फिटेड अ लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन लाइन फॉर एक्सट्रीम वेदर डेज, ये अपने को दे दिया है। सो बेसिकली डी हैट अपने को दे दिया है 147.39 माइनस 5.82601 टी, ठीक है। और अपने को आर स्क्वायर भी दे दिया है, आर स्क्वायर इज व्हाट 91.5%। कमेंट ऑन द प्लॉट ऑन द एक्चुअरीज एनालिसिस। प्लॉट तो अपने को वीक पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। प्लॉट अपने को क्या लग रहा है, वीक पॉजिटिव, बट देखो आर स्क्वायर जो आया है वो बहुत ज्यादा आया है, तो मिसमैच लग रहा है देख के। देयर अपीयर्स टू बी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटलायर्स, ठीक है। द प्लॉट एग्जिबिट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डेज एंड ईयर। आर स्क्वायर परसेंटेज लुक्स टू हाई व्हेन कंपेयर्ड टू द स्कैटर प्लॉट एंड द सेवरल आउटलायर्स। एल्फा वैल्यू लुक्स टू हाई, एल्फा का वैल्यू लुक्स टू हाई क्यों, बिकॉज एल्फा आया 147.39, बट अपने अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू तो तुम्हारा कहां से चालू हो रहा है, एकदम नीचे से चालू हो रहा है। वैल्यू तो एकदम नीचे से चालू हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि देखो जैसे मान लो यहां पर है 50, 100, 140, 150, तो 147 का मतलब क्या है, 147 माइनस 5 पॉइंट ऐसे दिया है ना, तो अपना तो यहां से चालू हो रहा है, तो 147 तो समवट यहां होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बोला है कि तुम्हारा द प्लॉट एग्जिबिट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डेज एंड ईयर। आर स्क्वायर परसेंटेज लुक्स टू हाई व्हेन कंपेयर्ड टू द स्कैटर प्लॉट एंड द सेवरल आउटलायर्स। अल्फा वैल्यू लुक्स टू हाई, वी वुड एक्सपेक्ट इट लोअर देन 100 डेज लुकिंग एट द स्कैटर प्लॉट। बीटा वैल्यू साइंस लुक टू बी द रॉन्ग वे राउंड, इट शुड बी अ पॉजिटिव। द नंबर ऑफ डेज इज बाउंडेड इन द इंटरवल 0,366। इफ द इंटेंशन इज टू प्रोजेक्ट इन टू फ्यूचर ईयर्स, इट मे हैव बीन बेटर टू फिट अ मॉडल दैट रेस्पेक्ट्स दिस रेस्ट्रिक्शन। डू अ लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ डेज फर्स्ट। ये दो तीन दो चीज तुम लोग को रटना पड़ेगा। लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लॉग लेना, ठीक है। लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लॉग लेना। हाँ बोलो सर, आपने बोला अल्फा की वैल्यू 147 है तो उससे स्टार्ट होना चाहिए था ग्राफ। नहीं, मैं ये नहीं बोला कि अल्फा वहां से स्टार्ट होना चाहिए था, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा अगर यहाँ पर है, अब जैसे मान लो यहाँ पर अपना देखो एक वैल्यू है जो 100 के ठीक यहाँ पर है, फिर उसके देखो यहाँ पर एक वैल्यू है, तो माइनस भी अगर कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू तो फिर नहीं आएगा ना, बोलने का मतलब ये है। हाँ सर, लेकिन टी अगर जीरो होगा तो डी हैट तो 147 स्टार्ट तो वहीं से होना चाहिए ना था, और वो नहीं हो रहा, यही मतलब हो नहीं, नहीं हाँ वो आप बोल रहे हो, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट टी क्या है, ईयर टी है, ईयर टी है। और तुम्हारा अब देखो यहाँ पर ऊपर में मैंने पढ़ा नहीं, फॉर ईच ईयर टी द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज ऑफ एक्सट्रीम वेदर वॉज रिकॉर्डेड। द टोटल नंबर ऑफ डेज इज 365 एंड एक्सट्रीम वेदर इज डिफाइंड एज अ रेनलेस डे विद टेम्परेचर इन एक्सीडिंग 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहला बात तो ये लोग बोलता है बीटा है ही गलत, नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो क्लाइमेट में चेंज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका जो एक्सट्रीम डेज है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वही आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि होना चालू यहीं से चाहिए था, बट वो हो नहीं रहा, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने को बोलता है सेपरेट एनालिसिस ऑन द सेम डेटा इज अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली। देखा दो पेज का सम है, तो दो पेज का सम है, एक पेज तो ऐसे ही खा गया, एक पेज तो ऐसे ही खा गया, डराएगा तुम लोग को। स्कैटर प्लॉट दे दिया मतलब आधा पेज खा गया, एक नंबर का क्वेश्चन के लिए आधा पेज खा गया, तो डरना मत, ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। ये सब अपने को दे दिया है। वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस लीस्ट स्क्वायर्स फिटेड रिग्रेशन लाइन इज दिस। तो दोबारा से हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहे, तो कैलकुलेट करिए। एस क्या क्या निकालते हैं, एस एक्स एक्स है ना, एस वाई वाई, एस एक्स वाई, यही तीन चीज निकालते हैं। तो अपने को निकालना पड़ेगा एस टी टी विच इज समेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एन टी बार का स्क्वायर, फिर आएगा एस टी डी विच इज समेशन ऑफ टी डी माइनस एन टी बार डी बार, फिर आएगा बीटा हैट विच इज एस टी डी बाय एस
टी, फिर आएगा अल्फा हैट विच इज डी बार माइनस बीटा हैट टी बार, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को निकालना पड़ेगा एच डी डी, सो दिस इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस एन डी बार का स्क्वायर। फिर हम लोग निकालेंगे सिग्मा है, ये सब बेसिक चीजें निकाल के रखो, 1/(n-2) एच डी डी माइनस एस स्क्वायर टी डी बाय एस टी टी, यहां तक निकल गया ना। फिर उसके बाद में हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट इज वॉट, रूट अंडर सिग्मा हैट स्क्वायर बाय एस टी टी, ठीक है। अब तो बस, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा सब में, देख लो मैं करवा देता हूँ। तो पहले तो ये सब सारे बेसिक चीज निकाल लिए, तो पार्ट टू हो गया, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर तक कर लिया, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो लीनियर रिलेशनशिप। नो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? नो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? नो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? बिल्कुल एच बिल्कुल नॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो, एच वन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सो बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, बीटा हैट -0 बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, नाउ दिस विल फॉलो टी एन -2, ठीक है। सो 50 है ना, सो टी 48 फॉलो करेंगे, और इक्वल नॉट इक्वल है सो टू साइडेड करेंगे, सो व्हाट वी नीड इज टी 48 कॉमा 0.025। सो ये वाला जो आएगा मेरा टी 50 ले लेंगे, इसमें 2.678, इसमें अप्रोक्सीमेटली तुम लोग टी 50 ले लेना, ठीक है। और हम लोग का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो वैल्यू आएगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, वो तुम्हारा आएगा 20.360 आएगा, समवॉट 20.360 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, मतलब बीटा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। फिर अपने को बोलता है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द अंडरलाइंग स्लोप कोएफिशिएंट बीटा, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने बोल रहा है। ओ सॉरी, स्टैंडर्ड एरर हो गया, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द अंडरलाइंग स्लोप कोएफिशिएंट फॉर द लीनियर मॉडल यूजिंग द इक्वेशन इन पार्ट। सो बेसिकली 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने बोल रहा है। अच्छा वहां पर भी, एक मिनट रुको, ये मैं गलत किया हूँ, एक मिनट रुको एक मिनट रुको, नो लीनियर टेस्ट मैं एक्चुअली गलत पढ़ लिया, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो लीनियर रिलेशनशिप एट द 1% कॉन्फिडेंस लेवल यूजिंग द इक्वेशन इन पार्ट टू। 1% का मतलब होता है ये ऐसे नहीं आएगा, ये वाला तुम्हारा आएगा टी टी फोर्टी एट कॉमा 0.005 पे आएगा ये वाला वैल्यू, क्योंकि 1% है ना, तो 1% का मतलब है दोनों तरफ 0.5 0.5 काटेंगे, ठीक है। सो दोनों तरफ 0.5 0.5 काटेंगे, 99% पे बोला है, तो दिस विल बी 2.678, और ये वाला हम लोग लेंगे टी 50 का वैल्यू मोटा मोटी। फिर उसके बाद में यही चीज को हम लोग लेके आगे बढ़ जाएंगे, सो बीटा हैट प्लस माइनस 2.678 इंटू रूट अंडर सिग्मा हैट स्क्वायर बाय एच टी टी, ठीक है। फिर हम लोग को बोल रहा है फर्दर क्लाइमेट चेंज डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स ऑल्सो कवरिंग द पास्ट 50 ईयर्स, दीज डेटा वेर एनालाइज एंड रिजल्टेड इन एन एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ इतना विद स्टैंडर्ड एरर इतना, टेस्ट द नो लीनियर रिलेशनशिप हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दोबारा से वही चीज करना है, यही डेटा को लेके, और फिर इसी का हम लोग को कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। कमेंट ऑन वेदर और नॉट द अंडरलाइंग स्लोप कोएफिशिएंट्स फॉर द स्टैटिस्टिशियंस डेटा इन पार्ट टू एंड द इंडिपेंडेंट डेटा इन पार्ट फोर कैन बी रिगार्डेड एज इक्वल। ओके, सो बेसिकली पहले वाले में मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया था वो आया था 5.498 कॉमा 7.164, और दूसरे वाले में मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है वो आया है -0.095 कॉमा 10.524, ये दोनों अपना आ गया, ठीक है। सो बेसिकली द टू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ओवरलैप विथ वन बीइंग अ सबसेट ऑफ द अदर, मतलब ये वाला जो है ये वाला पूरा इसके अंदर में समा जाएगा, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट वी कैन नॉट कॉन्फिडेंटली कंक्लूड दैट द अंडरलाइंग स्लोप कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट,
However, the large standard error leads to a wide confidence interval, meaning we lack evidence in the conclusion to the above bullet points. ठीक है, for deciding if the two underlying slope parameters are equal, a formal test would be required for the difference between the two parameters, where the variance of the difference should also be taken into account properly. ठीक है, discuss why the results of test in part 3b, part 4a seem to contradict. The test statistic in 3b lies well over the critical value, whereas the test statistic in part 4a lies just under the critical value. मतलब दोनों में अपने कर रहे हैं, तो वही चीज है. So this suggests that the slope coefficients may be different for the two sets of climate change data, recording of past data, method of collection, errors in collection, the data, etc. From the alternative sources, treatment of outliers, differences in definition of extreme weather may lead to the apparent differences observed. We reject this hypothesis of the slope parameter being significantly different from zero in part 3b. बट नॉट इन पार्ट 4a. मतलब दोनों में अपना रिजल्ट अलग अलग आया है. एक में तुम्हारा सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट और एक में इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट, ऐसा कुछ आया है. इसको अच्छे से रीड कर लेना, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बीटा पे. ये बार देखो ना, इसमें तुम्हारा आ रहा है, हाँ एक में तुम्हारा आ रहा है 2.630. सो बेसिकली वी हैव नो एविडेंस टू रिजेक्ट टेस्ट नॉट, और दूसरे वाले में एविडेंस आ रहा था. From these results alone, it appears that the two parameters are therefore different, which seems to contradict the conclusion in part 5. However, for deciding if the two underlying slope parameters are equal, a formal test would be required for the difference between the two parameters, where the variance of the difference should also be taken into account properly. मतलब दोनों जो बीटा का जो वैल्यूज जो अपने को मिला है उसका बीच का डिफरेंस निकालो. बताया फॉर डिसाइडिंग इफ द टू अंडरलाइंग स्लोप पैरामीटर्स आर इक्वल अ फॉर्मल टेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर्स वेर इन द वेरियंस ऑफ द डिफरेंस शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट प्रॉपरली. ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए. The number of claims received by a motor insurance company on any given day follows a Poisson distribution with mean U. Prior beliefs about U are expressed through a gamma distribution with parameters A and B. Over a period of n days, the observed number of claims received per day are x1, x2, dot, 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 xn. Identify which one of the following is the posterior density of U. So F U given X, ये अपने को निकालना है. The number of claims received by a motor insurance company on any given day follows Poisson distribution. Prior beliefs about U are gamma distribution. तो ठीक है, तो ये अपने को निकालना है. तो सबसे पहले अपने likelihood निकालेंगे. So F X given U is what? Product I one runs from I runs from product I runs from 1 to N U to the power XI e to the power minus u by xi का factorial. And f u मेरा क्या हो जाएगा, f u मेरा क्या हो जाएगा, proportional to u to the power a minus 1 e to the power minus b u. तो posterior जो है f of u is proportional to f of x given u into f u. So this is product I runs from 1 to n u to the power xi e to the power minus u by xi ka factorial into u to the power a minus 1 e to the power minus b u. So this is u to the power a plus summation of xi minus 1 e to the power minus b plus n u. ठीक है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है बताओ, ये क्या फॉलो करेगा, गामा फॉलो करेगा, ये गामा फॉलो करेगा a प्लस समेशन एक्स आई कॉमा बी प्लस एन. फिर अपने को निकाला है क्वाड्रेटिक लॉस में बेजियन एस्टीमेट ऑफ यू. तो यू हैड बेजियन एस्टीमेट क्वाड्रेटिक लॉस में क्या हो जाएगा बताओ,
मीन होगा पोस्टीरियर का, तो यू एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन एक्स विच इज यू हैट, तो दैट इज ए प्लस समेशन एक्स आई बाय बी प्लस एन, ठीक है। अब इसको रीराइट करो, तो रीराइट करने से क्या आ जाएगा, तो दिस यू हैट इज ए बाय बी इंटू बी बाय बी प्लस एन प्लस समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन इंटू एन बाय बी प्लस एन, सो दिस इज नथिंग बट वन माइनस जेड इंटू ए बाय बी प्लस जेड इंटू एक्स बार। तो मेरा जेड जो आएगा दैट इज एन बाय बी प्लस एन, सो दिस इज माई क्रेडिबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। ये सब एकदम स्टेप में जा रहे हैं सारे, इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने का दरकार ही नहीं है, ये फॉर्मल स्टेप है। तो दिस इज माई क्रेडिबिलिटी फैक्टर, फिर अपने को बोला है कैलकुलेट द बेजियन, अब अपने को वैल्यूज दे दिया है ए बी, ठीक है। अब अपने को क्वाड्रेटिक लॉस में निकालने बोल रहा है, तो वैल्यू डाल देंगे 9 प्लस 320 बाय 3 प्लस 6, फिर अपने को वेरिएंस निकालने बोल रहा है, सो वेरिएंस क्या होगा अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर, सो दिस इज ए प्लस समेशन ऑफ एक्स आई बाय बी प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। फिर अपने को बोला इंडस्ट्री एक्सपर्ट सजेस्ट दैट प्रायर बिलीव्स अबाउट यू आर बेटर एक्सप्रेस्ड थ्रू अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स अल्फा, ए अल्फा इज 18 एंड बीटा इज 6, प्रायर वेरिएंस ऑफ यू हैज चेंज फ्रॉम, सो बेसिकली 18.6 बोल रहा है ना, तो यहां पर आएगा पहले क्या था ए और बी का वैल्यू, पहले लोग बोला था ए 9 है और बी है 3, सो पहले वेरिएंस क्या था 9 बाय 9 अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 18 बाय 36 विद द डेटा बीइंग अनचेंज्ड, दिस मींस दैट द पोस्टीरियर वेरिएंस विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, माने प्रायर का जो वेरिएंस है, प्रायर का जो वेरिएंस है वो पहले था 1, अभी वो हो गया है 0.5, तो जो पोस्टेरियर का जो वेरिएंस होगा वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बट हाफ होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, हाफ होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, बट वो कम जरूर हो जाएगा, वो कम जरूर हो जाएगा, ठीक है, वो कम जरूर हो जाएगा बट हाफ होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, अल्फा बाय लैम्डा मतलब दोनों में 3 आ रहा है बट वेरिएंस में फर्क आएगा। ये वाला पेपर हो गया है, 2 मिनट का ब्रेक है और फिर शिवांगी मैम पेपर बी कराएगी, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है आज जब मैम करा दे थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद में पोस्ट लंच मैं दोबारा से एक तो पेपर एक करा दूंगा सितंबर 21 का, ठीक है। सो आज पूरा दिन तुम लोग सबको लगे रहना है, कोई भी क्लास छोड़ना मत, थैंक यू। ये वाला पेपर अभी देख लो पहले।